I'm working on a project with Karan Razdan sir. As we all know, Karan Razdan is like a famous writer. He's done Barsaat, From Dilwale to Dil Jale, all like cult movies. We have all his famous dialogues from Reesho Reesh Dil Jale. So we have all of that from Karan sir. And my first meeting was him. Like, we were so sure about it that the Samir character he wanted was for me, and I was also very sure about it. So the whole project, if you wanna ask, it's about childhood friendship, it's about love, it's about politics, and it's about religion. It's about two friends जो बचपन से साथ रहे हैं. एक समीर है जो मैं हूँ और एक भरत है जो मेरा भाई अभी आने वाला है. सो इट्स लाइक उनकी फ्रेंडशिप है, बचपन से कैसे साथ रहे हैं, कैसे एक दूसरे के घर आते जाते रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट देयर फ्रेंडशिप फ्रॉम चाइल्डहुड एंड हाउ देयर आइडियोलॉजीज चेंज व्हेन दे गो टू द यूनिवर्सिटी. आई हैव अ गर्लफ्रेंड सपना, आई गेस यू विल सी हर वेरी सून. सो इट्स अबाउट लाइक बेसिकली इट्स लव अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप. And we are talking about politics because on a university, so on university I'm like one of the leaders and stuff. So you'll see a lot of politics in the whole movie. Yeah. नमस्कार. और आज मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया है वो हमारा ट्रेडिशनल गाना है, ट्रेडिशनल आरती है, लेकिन उसमें फिर वेरिएशंस हैं क्योंकि ये फिल्म के लिए है, सिचुएशन पे है, तो उसमें ट्रेडिशनल तो आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसमें काम हुआ है. और हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रविशंकर जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं. इन्होंने पहले भी बहुत काम किया है और इस आरती को ये एक नया शेप देने वाले हैं सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सिचुएशन कुछ बाहर कुछ और हो रहा है, मंदिर के अंदर कुछ और हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, तो ये उसको बहुत खूबसूरत शेप देने वाले हैं. तो रविशंकर जी का कमाल इसमें देखिएगा. हमारे डायरेक्टर जनाब करण राजदान साहब, इनके काम को तो लोग कितने सालों से देख रहे हैं, इनका डायरेक्शन, इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग, इनकी डायलॉग राइटिंग, सब कुछ तो करते हैं. तो मुझे बहुत खुशी है कि करण राजदान साहब ने मुझे इस फिल्म में गाने के लिए भी बुलाया है और साथ साथ एक रोल भी दिया है, इम्पॉर्टेंट रोल है जिसमें मैं यूँ समझ लीजिए हीरो का पिता हूँ, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मुझे दिया है. ये आरती जो आज रिकॉर्ड हुई है ये मेरे ऊपर ही पिक्चराइज होगी, तो आप लोग सब देखिएगा. इसकी शूटिंग हम 15 फरवरी से ऋषिकेश में शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी जगह शूटिंग हो रही है. बाकी इसकी जो डिटेल है फिल्म की हम चाहेंगे करण जी बताएं. अनूप जलोटा जी को भजन सम्राट कहा जाता है, स्पिरिचुअल सिंगिंग के किंग हैं, और ऊपर से मैं इंसानों के साथ काम करता हूँ, हुनर उनमें होता है ये अलग बात है. तो मुझे ये सबसे पहले तो इंसान के तौर पे बहुत कमाल लगते हैं. दूसरी बात ये कि मेरा रोल जो था वो एक पंडित और पुजारी का था, तो क्या पंडित और पुजारी आरती गाएगा नहीं, भजन कीर्तन करेगा नहीं, इससे बेहतर क्या मिश्रण हो सकता था कि जो ओम जय जगदीश हरे भी गाएं और साथ में अपने बेटे को धर्म का पाठ भी पढ़ाएं. सो दैट इज़ व्हाई मिस्टर अनूप जलोटा इज इन द फिल्म. ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि हम फिल्म का टाइटल आज रिवील नहीं कर रहे, हम 15 फरवरी को कर रहे हैं, सीधा उत्तराखंड से लाइव ये होगा, तो मुहूर्त के बाद टाइटल भी बताया जाएगा. और मेरा ख्याल है तब जब आप टाइटल सुनेंगे तब आप समझेंगे कि अनूप जलोटा और वो टाइटल वो बिल्कुल मिले हुए हैं, तो क्योंकि वो टाइटल में अनूप जी छुपे हुए हैं और वो टाइटल अनूप जी में छुपा हुआ है. लाइक एवरीबडी एल्स सो केम ऑन बोर्ड बिकॉज करण जी वांटेड मी ऑन बोर्ड. And I think that's about it. I think because उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा. और I think the first meeting we had, casual सी बड़ी एक meeting थी जिसमें ख़त्म होने के बाद उन्होंने कोई अच्छी सी बात बोली और I think वही क्लिक कर गई उनको. उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरा किरदार है उसमें, मैं नाम नहीं लूँगा बिना किरदार का ना किसी चीज़ का, कि जो मेरा किरदार है उसमें मुझे उसकी आँखों में एक सच्चाई देखनी है जो तुम्हारी आँखों में छलकती है.
और आई थिंक वही हमारा कनेक्ट बना और आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई केम ऑन बोर्ड. मेरी आंखें तो खैर प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं है, वो तो उनके लिए हाँ है, वो मेरे लिए हाँ नहीं हो सकती, बजाय ऐसे मुझे इनकी आंखें पसंद आती. पर अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा आपने कहा कि जो टोटैलिटी में फिल्म है वो स्क्रिप्ट से बढ़कर कहीं है. कुछ कहानियाँ होती हैं जो खाली स्क्रिप्ट नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो एक आइडियोलॉजी होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो समय की ज़रूरत होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जिनके अंदर हमारा समाज और उसकी सोच और समझ निहित होती है. तो कुछ इसी तरह की कहानी है जो कि आज के ज़माने में आज के हिंदुस्तान को जिसकी बहुत आवश्यकता है. टुडे फोर्थ गाना अपने रिकॉर्ड किया था अनूप जनोटा जी से, ये ख़त्म हुआ. ये दिस इज लाइक ए ट्रेडिशनल सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना है. अनूप जी स्टार्टिंग में बोला था ये गाना बहुत अच्छा गाना है, ये फिल्म के लिए थोड़ा डिफरेंट सिचुएशंस में किया था. बट मुझे बहुत अच्छा मौका है बिकॉज इतना अच्छा गाना फिर रिमिक्स करके, दिस इज़ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चांस टू मी. करण जी ने दिया था इतना अच्छा मौका. एंड अभी मैं देख रहा हूँ अपना हीरोज को, बहुत अच्छा लगा. हीरोइन जल्द आने वाली है. देन और अच्छा मौका भी मिलेगा भी मुझे देखने के लिए. Yes, I was absolutely thrilled, elated, and when he narrated the subject, it was it's an ideology and it's I can't talk much about it right now, but you can see I'm extremely thrilled about it. So yes, it was wonderful. No, not really. I think Mahadev was almost a decade ago now, and after that I've done a lot of other work. So none of it is intentional. I just want to sort of try everything that's out there. And in this film, I'm very excited about it because I've got like there are three changes that happen to this particular character. So it's very rare that you get to place so many shades on screen in your very first film. So yeah, like I said, there's no one person that I'm paired with. There's Ankit and there's Ashish both. So I'll be paired opposite the two of them. And you'll see how it plays out in the film. Bas bachpan mein maa baap ne sunaya tha Om Jai Jagdish Hare. Mera khayal hai ye pehli aarti hai jo koi bhi bachcha sunta hai usually. Kam se kam maine to yahi suni. Badi बहुत मन था कि किसी दिन ये मैं अपनी फिल्म में आरती पिक्चराइज करूं. फिर अनूप जलोटा मिल जाए तो फिर ये आरती कौन छोड़ता है. तो आज अनूप जी ने ये आरती गाई है ओम जय जगदीश हरे, लेकिन क्योंकि ये फिल्म है तो हमने अपने अंदाज में इसे रिकॉर्ड किया.